स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ जिलाध्यक्ष बने बृज मोहन वाल्मीकि, महामंत्री सचिन भारती नियुक्त। प्रेस वार्ता के दौरान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष मानिक लाल नागर ने दी जानकारी, कहा सरकार से कर रही लगातार मांग, संविदा कर्मचारियों को किया जाए स्थायी। फिरोजाबाद स्टेशन रोड स्थित सलूजा रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रांतीय महामंत्री बिल्लू चौहान, प्रांतीय अध्यक्ष मानिक लाल नागर, संघ अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष मानिक लाल नागर ने बताया कि फिरोजाबाद जनपद में हमारा आगमन हुआ है, यहां पर जिलाध्यक्ष पद पर बृजमोहन वाल्मीकि व महामंत्री पद पर सचिन भारती को नियुक्त किया है, जिन दोनों को निर्देशित किया है जल्द ही अपनी स्थानीय कमेटी भी गठित करें। साथ ही बताया कि लगातार एक साल से सरकार से मांग कर रहे हैं कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, कर्मकार ठेके पर कार्य कर रहे सफाई कर्मचारियों को संविदा में परिवर्तित किया जाए। प्रदेश की बढ़ती आबादी के हिसाब से कम से 1,00,000 कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए सहित कई बातों पर जानकारी दी। प्रांतीय अध्यक्ष स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ, आज हमारा फिरोजाबाद जनपद में आगमन हुआ है। हम स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ जनपद फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष महामंत्री का हमने नियुक्ति की है। जिलाध्यक्ष पद पर भाई बृजमोहन वाल्मीकि जी को नामित किया है और महामंत्री पद पर सचिन भारती जी को नामांकित किया है, और इन दोनों लोगों को हमने अधिकृत किया है कि जनपद में भ्रमण करें, अपनी जिला कमेटी का गठन करें और स्थानीय कमेटी है उसका भी गठन करें। इसके अतिरिक्त हमारा कहना है स्थानीय निकाय के माध्यम से कि हम लगातार सरकार से 1 साल से ये मांग कर रहे हैं कि प्रदेश की निकाय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को, जो संविदा कर्मचारी उनको स्थायी किया जाए, जो लोग ठेके में काम कर रहे हैं उन्हें संविदा में परिवर्तित किया जाए, और प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से कम 1,00,000 कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, पुरानी पेंशन नियमावली बहाल हो, और जो संविदा कर्मचारी की मदद सेवा काल में हो जाती है उसके परिवार को संविदा पर रखा जाए। 21 और 22 जून को अभी 2 दिन हमने नकलू में प्रवास किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को, माननीय नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन जी को, डायरेक्टर जी को और नगर विकास सेक्रेटरी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी को हमने ज्ञापन देकर मांग की है कि अगर 20 अगस्त तक हमारे 1400 की मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होती है, सरकार संघ से वार्ता नहीं करती है या उनको स्थायी नहीं करती है, तो 20 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा और प्रदेश का सफाई कर्मचारी सड़कों पर होगा, सड़क से लेकर विधानसभा तक खुला संघर्ष किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की।